जी आप बताइए क्या स्टॉक पिक्स लेके आए हैं आज हमारे व्यूअर्स के लिए यस गुड मॉर्निंग एवरीवन और आप सभी को कंतेलेश की बहुत-बहुत शुभकामनाएं आप सभी बहुत ही सुंदर लग रहे हो आ, मैं थोड़ा पीका लग रहा हूँ आपके हाँ आगे स्टॉक्स की बात करें तो मेरे एक बाई साइड है एक सेल साइड है साइड में मेरा आईनोक्स विंड है मुझे लगता है कि इस स्टॉक वैसा है जिसमे एक पॉजिटिव न्यूज भी है इसकी क्रिसिल ने रेटिंग अपग्रेड भी की है और टेक्निकल चार्ट पर भी एक इसमें क्लासिकल फ्लैग फ्लैग फॉर्मेशन का ब्रेकआउट आया था स्टॉक दो तीन दिन से कंसल्टेट करा था तो लगता है इसे मोमेंटम पकड़ते नजर आ सकता है टू फिफ्टी फाइव का टारगेट रहेगा, रहेगा ये तो ट्रेडिंग परसपेक्टिव से मुझे लगता है कोई थोड़ा सा लंबा नजरिया लगता है इन्वेस्टमेंट का व्यू भी लगता है तो ये ग्रीन रिन्यूवल एनर्जी थीम आगे बहुत अच्छा कर सकती है जहाँ पे ये स्टॉक पोटेंशियल रखता है कि यहाँ से डबल भी हो सकता है अपार्ट फ्रॉम दिस मेरा व्यू थोड़ा सा नेगेटिव साइड आई स्टॉक्स पर है आई स्टॉक्स में कमजोरी देखने को मिल सकती है आने वाले दिनों में शायद अगर मनी फ्लो फ्रॉम आई टू बैंक हो सकता है तो आई में मुझे आज टी सी सेल साइड देखना चाहूंगा स्टॉक में एक हल्का बैक देखने को मिला था और 20 डे मूविंग एवरेज से एक रिजेक्शन देखने को मिल रहा है तो हो सकता है आज की मार्केट की कमजोरी में आईटी स्टॉक्स अंडर परफॉर्म करें तो यहां पे 3280 का टारगेट रहेगा 3375 का स्टॉप लॉस रहेगा दमदार पिक्स होती हैं आपकी हमेशा आप फीके कहां से लग रहा है इतने अच्छे आप लग रहे हैं संतोष uh, दो पैक्स आज फिर से सेल करा रहे हैं कल टेक महिंद्रा सेल करा रहे थे और आप बहुत अच्छे लग रहे हैं हमारे शो में जितने भी एक्सपर्ट्स हैं इनफैक्ट लगातार है उनका कंट्रीब्यूशन बेहद खास होता है और शानदार होता है हमारे लिए सारे इंपॉर्टेंट एक्सपर्ट्स ठीक है अक्षय से भी समझते हैं अक्षय आपके ट्रेडिंग आइडियाज क्या होंगे सर का रुख देखते हुए मेरा एक ट्रेड बाई की तरफ है और एक सेल की तरफ है तो जो बाई की तरफ है वो है महिंद्रा एंड महिंद्रा कल बहुत ही शानदार मूव देखने को मिला रिजल्ट के पहले आज उसके रिजल्ट्स डिक्लेयर होंगे तो आ, जिस तरह से ऑप्शंस का भी एक्टिविटी देखने को मिल रहा है फिफ्टीन हंड्रेड का एक स्ट्रॉन्ग बेस बिल्डअप के सीनारियो दिख रहे तो एम एन एम बाई करने की मैं रिकमेंड करूंगा करंट रेट पे आज शायद थोड़ा गैप डाउन भी मिले आपको पर वहां पर आपको बाय करके चलना है फिफ्टीन और फिफ्टीन थर्टी के आसपास टारगेट बना के चले 1591 और एक्सटेंडेड टारगेट कैन बी 1605 स्टॉप लॉस बनाए 1495 का और सेकेंड ट्रेड है बैंकिंग में सेल है बैंक ऑफ बड़ोड़ा तो बैंक ऑफ बड़ोड़ा का जो चार्ट uh, पैटर्न है काफी नेगेटिव रहा है फॉर द मंथ ऑफ नवंबर ऊपर में काफी मुनाफा वसूली देखने को मिली है और मेरा मानना है कि ये सेलिंग थोड़ा एक्सटेंडेड हो सकता है ट्रेडिंग के हिसाब से तो बैंक ऑफ बड़ौदा अब शॉर्ट करके चले आ, मार्केट खुलते और आ, 187 से 184 ये आपका टारगेट प्राइस बनेगा स्टॉप लॉस बनेगा 201 तो आप ये दो सेल कॉल ले रहे हैं आ, नहीं आपके बैंक ऑफ बड़ौदा सेल कॉल है एक सेल कॉल है और एक आईटी पर हमारे पास संतोष की भी तो यानी आज बाय और सेल का कॉम्बिनेशन आ रहा है

ऑलमोस्ट uh, सितंबर 23 तो एक ब्रेकआउट आया था ब्रेकआउट के बाद एक रिटेस्ट uh, कैंडिडेट की तरफ देखिए कि पिछले दो से तीन हफ्तों में इन्होंने अच्छी खासी रिकवरी दी है तो हमें लग रहा है कि ये काफी अच्छा यू बॉटम रिकवरी दे सकता है पिछले हाई की तरफ तो करंट मार्केट प्राइस है 198 नाइनटी यहाँ पे आप स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए 170 का और टारगेट रखेंगे 255 एंड 300 जो दूसरा स्टॉक है सेम स्पार्क है स्पार्क ने देखिए एक डबल बॉटम बनाया है करीबन 220 के लेवल पे और कल के सेशन में काफी अच्छा है एक वॉल्यूम बेस सर्ज आया हुआ था तो हमें लग रहा है कि यहाँ से अच्छा खासा मोमेंटम बन सकता है 256 का करंट मार्केट प्राइस है टारगेट रहेगा टू एंड थ्री थर्टी टॉपलग मेंटेन कीजिए फोर का